press the bell icon on the YouTube app and सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग, एक मजेदार और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काजमी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया अली खान जी। और ये दोनों सशक्त और बहादुर मुस्लिम महिलाएं आज मजहब के ठेकेदारों को एक्सपोज करेंगी और पूरी तरह से धो डालेंगी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग, दमदार और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। कोई प्रॉब्लम आ सकती है बीजेपी के गवर्नमेंट को कि मुस्लिम वोट्स भी तो चाहिए होते हैं, तो अब वो अपोजिशन जो है वो जाहिर है कांग्रेस हमेशा से एक देखा गया, बल्कि पाकिस्तान में भी बड़ी पसंद की जाती है और कहते हैं वो मुस्लिम्स के साथ खड़े और ये मुस्लिम्स के साथ नहीं खड़े। ये और बात है कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको तकरीबन हर इस्लामिक कंट्री ने जो है वो हाईएस्ट अवार्ड दिए, पाकिस्तान को छोड़ के हम भी दे देंगे, अभी हम सोच रहे हैं। तो जब हमें कुछ फायदा नजर आएगा तो हम सबसे आगे बढ़ के दे देंगे। लेकिन कुछ इसका कनेक्शन आपको लगता है नाजिया के इसके साथ है, इलेक्शन के साथ है? नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, बिल्कुल भी कोई कनेक्शन नहीं है। इवन मैं कई ऐसे केसेस के एग्जांपल्स दे सकती हूँ, या मैंने जो अभी एग्जांपल्स दिए हैं कि इतने इतने ईयर में बहुत सारे केसेस आए थे, तब बीजेपी की सरकार थी भी। द सेकेंड थिंग इज अर्जुदी, मैं बहुत क्लियर करके बता देना चाहती हूँ ताकि व्यूअर्स को भी समझ में आए कि अभी जो 9 साल से मोदी जी की सरकार यहाँ पर है, इसको पॉलिटिक्स और कानून को बिल्कुल अलग करके रखा गया है, एकदम अलग। पॉलिटिक्स से कानून का और उसके वर्डिक्ट का, उसके जजमेंट का, उसके इम्प्लीमेंटेशन का कोई रिश्ता और नाता नहीं है। जो क्रिमिनल है उसको कानूनी कार्रवाई से ही नजरों से देखा जाएगा, उसको पॉलिटिकल नजरों से देखा ही नहीं जाएगा। अभी देखिए 1984 में ट्रिपल तलाक का पहला पिटीशन फाइल हुआ था, तब तो मोदी जी की सरकार नहीं थी। 2016 में मेरा पिटीशन फाइल हुआ था, मैं वेस्ट बंगाल से 100 औरतों से ज्यादा मैं लेकर गई थी, और 2017 में बेंचमार्क वर्डिक्ट आया था। 1948 में ही कॉमन लॉ की बात कर दी गई थी। तो ये जो सिनेरियोस मैं आपको बता रही हूँ, या 1995 में क्रिश्चियन ने फॉस्टर पेरेंट्स के लिए एक PIL फाइल किया था, तब भी मोदी जी की सरकार नहीं थी। तो इसमें पॉलिटिक्स और कानून एकदम दो अलग चीजें हैं। अब आपने एक और सवाल कर किया है कि मुसलमान जो है वो आपके पाकिस्तान में ही ज्यादा हवा बनाया जाता है कि यहाँ पर मुसलमान बहुत डिप्राइव है। यहाँ पर मुसलमानों ने इतनी हटगर्मी मचा करके रखी है, अभी इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले करते करते वक्त ही मैंने पहले में ही बोल दिया है कि कन्वर्शन के नाम पर यहाँ पर इतनी हटगर्मियां हैं, इतनी यहाँ पर दिलेरी मचा करके रखी है कि कानूनी तरीके से अगर इनको धरपकड़ ना किया जाए तो हमारे हिंदुस्तान की हर मुस्लिम गलियों में एक अजमल कसब मिल जाएगा। पाकिस्तान को कष्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वहां से भेजना पड़ेगा। अगर कानून सख्त ना होता तो ये मुसलमान जो है ना लुंगे उठा करके नाचना स्टार्ट कर देते। आखिर क्या ऐसा मसला है अर्जुदी कि एक शहनवाज को, दिल्ली के एक शहनवाज को गेमिंग ऐप के जरिया हिंदू बच्चों को कलमा पढ़ाना पड़ा? आखिर ऐसा क्या रीजन है कि गंगा जमुना इंग्लिश मीडियम स्कूल में मध्य प्रदेश में स्कूल के अंदर बच्चियों को मार पीट करके हिजाब पहनाना पड़ा और उनको इस्लामिक किताबें पढ़ानी पड़ी, उनको असल्ट किया है उन्होंने, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो है वो अरेस्ट हुए हैं, लव जिहाद जैसी चीजें सामने आ रही, वो तो लव जिहाद एक्ट आ गया। तो हर चीज पर कानून ला करके इन मुसलमानों को कंट्रोल करना पड़ रहा है। आप सोचो कि इन्होंने यूपी में जाकर के मंदिर में 50 लोगों ने नमाज पढ़ डाली। अब पाकिस्तान में खौवा बना, एक तो जब ये बिल्लो रानी आया था वो जाकर के एनाकोंडा की तरह जहर उबलना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद फिर आपके शहबाज शरीफ बैठ गए। मैं यहाँ पे आपको रोकूंगी, एक सेकंड के लिए रोकूंगी नाजिया, बिल्कुल आप इतराज कर सकती हैं अगर कोई बात आपको फॉरेन मिनिस्टर की अच्छी ना लगी हो, लेकिन आप उनका नाम नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मैं भी किसी भी पॉलिटिशियन, इंडियन पॉलिटिशियन का नाम नहीं बिगाड़ती हूँ। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी
कि जो उनका नाम है वही लीजिए। ये जो आप कह रही हैं बिल्लो रानी, ये शेख रशीद साहब ने रखा था और हम उन्हें भी अप्रिशिएट नहीं करते इस बात के लिए, लेकिन हाँ अगर उनकी बात आपको स्टेटमेंट सही नहीं लगा यू कैन से दैट, नो नो इशू एट ऑल। जी तब तो फिर मैं फॉरेन मिनिस्टर ही बोलूंगी, क्योंकि उसका नाम मुझे वही याद ही रहता है, उसका ओरिजिनल नाम तो मुझे याद ही नहीं रहता है। तो उन्होंने भी जा करके यहाँ पर गोवा में सैर सपाटा किया और जा करके मुसलमान डिप्राइव है। अरे भैया यहाँ आपके उनके पाकिस्तान या आपके पाकिस्तान से ज्यादा पॉपुलेशन हिंदुस्तान में मुसलमानों की, ये मानने से तो कोई इनकार नहीं कर सकता है, इतने पॉपुलेशन है। और जो चुनिंदा जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं या जो मदरसे के अंदर जो ये सारे खुराफात करवा रहे हैं या जो क्रिमिनल और टेररिज्म एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो यहाँ यहाँ के कानून को तो इतनी अथॉरिटी है ना कि वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। भाई मुसलमान मर्द अगर पार्क स्ट्रीट जैसे एरिया में दो मुसलमान भाई नासिर खान और कादिर खान अगर बलात्कार करता है तो क्या उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी? क्या उसको जेल नहीं करना है? अब अगर कर देते हैं तो हाई इस्लाम हाई इस्लाम हाई इस्लाम, मेरा इस्लाम खतरे में। तो ये सारे हथकंडे और ये सारे ड्रामेटिक जो चीजें हैं ये नहीं चलेगा, ये हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। हिंदुस्तान में जो भी क्राइम है उसकी सजा जेल है। नहीं बिल्कुल, जो बात है वो बिल्कुल सामने आनी चाहिए, और अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई स्टेटमेंट आती है तो ऑब्वियसली वो जिस किस्म की न्यूज़ इधर उधर से आती है उसको लेकर, और एक तरीका भी है कि चाहे जितना मर्जी कुछ अच्छा हो रहा हो लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो है वो इंडिया के लिए कुछ ना कुछ नेगेटिव ही जाता है। इस चीज़ को मैं भी कहती हूँ कि नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने एक क्लिप लगाया था आपके किसी शो का था और आप उसमें ये बता रही थी कि जो हिंदू लड़के हैं वो मुस्लिम लड़कियों को अप्रोच नहीं करते, तो मैंने वहाँ कहा था कि नहीं आप गलत कह रही, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बहुत से एग्जांपल्स सामने हैं पहले की भी और अभी की भी, जिसमें मुस्लिम लड़कियों ने शादी की है या दोस्तियाँ हैं उनकी हिंदू लड़कों से। और वैसे भी जहाँ पर 85% हिंदू हों वहाँ पर अगर किसी मुस्लिम लड़की की दोस्ती हो जाती है तो कोई मेरे ख्याल हैरत की बात नहीं है। मुझे समझ नहीं आती कि अगर अमेरिका और कनाडा या यूरोप जाकर हमारे लोग जो हैं वो वहाँ की लड़कियों के साथ दोस्ती हो सकती है शादी हो सकती है, तो अगर हिंदुस्तान में हिंदू ज़्यादा हैं तो मुस्लिम लड़कियों की क्यों नहीं हो सकती? तो वो आपने बात क्यों की थी? क्योंकि यहाँ पर निगत अब्बास हैं, सुबूही खान हैं और कई लोग, इवन मैं पाकिस्तान में रहती हूँ मेरी मदर की फर्स्ट कजन की शादी जो है वो उनके हस्बैंड जो है वो हिंदू हैं, तो मैंने तो देखा है अपनी फैमिली में देखा है। सो पाकिस्तान में रहते हुए मैं ये बात कर रही हूँ तो इसलिए मुझे आपकी बात अजीब लगी। मैंने कंटेंट साफ तरीके से लिखा था और मैंने, शायद आपने वो पूरी वीडियो नहीं देखी है, क्लिपिंग लगाई गई है। मैंने साफ लफ्जों में कहा था कि जिस तरीके से मुस्लिम मर्द मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को प्रेम के जाल में फंसा करके ट्रैप करके उनसे शादी करते हैं या सेक्सुअली यूज करते हैं और फिर उनको धर्म परिवर्तन फोर्सिबली करवाते हैं, फिर उस हिंदू लड़की के पेट से जो बच्चा पैदा होता है उसको भी मुसलमान बनाते हैं, ये जो कुप्रथा है, ये जो दुर्नीति है, ये हिंदू लड़कों में सनातनी भाइयों में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। अब मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करके बता देती हूँ। जब मैं क्या, कोई भी मुसलमान लड़की या कोई भी धर्म की लड़की, जब हम लोग हमेशा गैदरिंग में, क्योंकि आपने खुद अग्री किया है कि यहाँ पर 85% से ज्यादा हिंदूज हैं, तो डेफिनेटली जब हम कोर्ट के अंदर जाते हैं तो हिंदुओं से ज्यादा मुलाकात होती है, या किसी भी पॉलिटिकल मीटिंग में जाते हैं या किसी भी सेमिनार्स में जाते हैं, तब हमें ये ऑब्जेक्शन नहीं मिलता है कि आपने सर पे दुपट्टा नहीं रखा या बदन पे दुपट्टा नहीं रखा या अपनी छाती नहीं ढकी दुपट्टे से। लेकिन अगर एक मौलाना से या एक मुसलमान से मिल लो तो वो हमें ये याद दिला देता है कि मेरी छाती पे दुपट्टा है कि नहीं है। तो इसका मतलब है कि उस मौलवी और मुल्ला और मुसलमान मर्द की नजर जो है वो डायरेक्ट मेरी छाती पे ही जाती है, मेरी क्रेडिबिलिटी पर, मेरी क्वालिफिकेशन पर, मेरी पॉजिटिविटी पर नहीं जाती है। तो मैं ये बताने की कोशिश वहां पर करी हूं कि हिंदुओं की नजरें जो होती हैं वो बहुत साफ और शफाफ होती हैं, और अगर मुसलमान लड़की हिंदू लड़के से शादी करती है, बिल्कुल करती है, लेकिन परसेंटेजेस बहुत कम है, बहुत रेयर है।
तो उनको ये फोर्स नहीं किया जाता है कि आपको धर्म परिवर्तन करना है और हिंदू बन जाना है। मेरी एक बहुत करीबी दोस्त, उन्होंने पटना में एक हिंदू डॉक्टर से शादी की थी। आपको मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि वो लड़की मुसलमान थी, मेरी फ्रेंड थी, और उसने पटना के एक डॉक्टर से शादी की थी जो हिंदू थे, प्रसाद फैमिली के थे। और वहां पर आपको मैं बता रही हूँ कि वो लोग पेट पालते थे, कुत्ते पालते थे। तो जिस रूम में वो दोनों हस्बैंड वाइफ रहते थे, उस रूम में वो उनकी सास जो है, मेरी फ्रेंड की सास, वो डॉग नहीं जाने देती थी कि नहीं मेरी बहू जो है वो नमाज पढ़ती है, तुम डॉग नहीं एंटर करवाना। जो ड्राइवर और सर्वेंट होते थे, और ये मेरे अपनी आंखों का देखा हुआ है, जो ड्राइवर और सर्वेंट होते थे वो जूता पहन करके, क्योंकि काफी बड़ा आलिशान घर था, तो नहीं नहीं तुम लोग जूता पहन कर मत जाना क्योंकि मेरी बहू जो है वो नमाज पढ़ती है। पूरे रमजान में उन लोगों ने जो एहतराम और जो इज्जत दिया है, मैं मतलब मेरी आंखों में पानी आ गया था कि काश, आई विश हमारे मुस्लिम मर्द इतना एहतराम देते कि मात्र एक मुसलमान लड़की रोजा रख रही है और कम से कम 50 तरीके का खाना और पूरा पूरा दस्तरखान बिच रहा है, बजाफते सब्जी मार्केट से दस्तरखान खरीद के लाया गया डाइनिंग टेबल होते हुए भी, तो दिस इज कॉल्ड हिंदू फैमिली। बिल्कुल नहीं, ऐसे एग्जांपल्स बिल्कुल हैं और होनी भी चाहिए, और हमें मेरे ख्याल है शेयर भी करनी चाहिए ताकि लोगों को पता लगे कि बहुत से अच्छे लोग हैं हमारे इर्द गिर्द। मुस्लिम जो थी ना अरसुदी, वो आप बहुत छोटी सी थी, और मुझे बाद में ये फील हुआ कि ये पूरी क्लिपिंग मुझे डालनी चाहिए थी, क्योंकि शायद कुछ लोग आधा अधूरा समझे हैं कि मुझे पूरी क्लिपिंग डालनी चाहिए थी। जिस तरह से बहुत फ्रीक्वेंटली और बहुत नॉर्मली मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों को प्रेम के जाल में फंसाते हैं, ये जो नेचर और कैरेक्टर है ये हिंदू मर्दों का नहीं। बोथ साइड जब एक कंसेंशुअल वाली बातें आती हैं, अंडरस्टैंडिंग वाली बातें आती हैं, तब ये चीज होता है। लेकिन मुसलमान लड़के बिल्डिंग के नीचे खड़े रहेंगे, बाइक लेकर खड़े रहेंगे, पीछा करेंगे स्कूल और कॉलेज तक, तो ये सारी नंबर इधर उधर से मांग करके उसको मिस कॉल करेंगे, उसको टेक्स्ट करेंगे, और ऐसे कई केसेस मैंने देखे हैं, तो ये जो लिज्जड़पना जो होता है ना, ये मुसलमान लड़कों में होता है, ये हिंदू लड़कों में नहीं होता है, बिकॉज मैं तो प्रैक्टिकली देख रही हूँ ना। बिल्कुल, आप जाहिर है वहां पे मौजूद हैं, आप देख रही हैं, तो आपकी ऑब्जर्वेशन होगी। अदरवाइज मैं तो ये समझती हूँ अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं और हर रिलीजन में, हर फिरके में होते हैं, तो यकीनन कुछ ना कुछ अच्छे लड़के भी होंगे मुस्लिम्स में, और जो इस किस्म की हरकतें नहीं करते होंगे, और जो कर रहे हैं वो होपफुली वो सुन सुन के हम जैसे लोगों की बातें शायद ऐसा करना कम कर दें या रोक दें। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके नाजिया, ऐसे ही हंसती रहिए, मुस्कुराती रहिए, बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और आरजू काजमी जी और नाजिया लाई खान जी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे आपने देखा भारत की बेटी नाजिया लाई खान जी ने ना सिर्फ मजहब के ठेकेदारों को एक्सपोज किया बल्कि पाकिस्तान को भी आड़े हाथों लिया, और बात की योगी जी के लव जिहाद कानून के बारे में। और जैसे आपने देखा नाजिया लाई खान जी ने सनातन धर्म और हिंदुओं की तारीफ करते हुए ये कहा कि जो भी हिंदू लड़के हैं वो कभी भी लव जिहाद के नाम पे मुस्लिम लड़की को नहीं फंसाते, और इमोशंस के साथ ना खेलते हुए उनके साथ कभी भी झूठी शादी नहीं करते। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो उसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके ऐसे इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।